नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कल यानी कि सोमवार का दिन ना सिर्फ काशीवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व करने वाला दिन रहा, क्योंकि जिस पल का इंतजार देश लंबे समय से कर रहा था उस इंतजार को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म करके एक खूबसूरत तस्वीर को दुनिया के सामने रखी। वैसे तो देखिए, सोमवार को काशी से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर ने देश की जनता को भावुक कर दिया। जिसने भी इस तस्वीर को देखा तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि वाराणसी में पीएम मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के साथ भोजन किया। मजदूरों के साथ खाना खा रहे पीएम मोदी का वीडियो और तस्वीरें जब सामने आई और इन तस्वीरों में देखे साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों के बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आमने सामने बैठे हैं और दोनों के आसपास मजदूर भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थाली में देखिए रोटी, चावल, तीन चार तरह की सब्जी और दाल दिखाई दे रही है और देखिए मजदूरों की थालियों में भी यही व्यंजन यानी कि सेम खाना परोसा गया। तो इस वीडियो में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूरों के साथ भोजन करने से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उनका आभार जताया था और उन्होंने कहा था कि आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है और आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इन श्रमिक साथियों से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। आपको बताते चले कि इस दौरान वो इस भव्य परिसर के निर्माण और जीर्णोद्धार में लगने वाले कारीगरों के साथ भोजन तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ देखे मजदूरों पर पुष्प वर्षा भी की, साथ में फोटो सेशन और अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र और फिर भोजन करके उन्होंने देश की जनता को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। मजदूरों के बीच पुष्प वर्षा करने के बाद पीएम मोदी मजदूरों के बीच बैठे। फोटो सेशन होना था लेकिन कुर्सियां बाधक बन रही थी और उन्होंने वहां मजदूर लोगों को बोलकर कुर्सियों को हटवाया और इसके बाद फोटो सेशन पूरा हुआ। तो देखिए वाराणसी से सामने आई इन दो तस्वीरों को जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। बहरहाल आपके इन दोनों तस्वीरों पर क्या राय है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।